Or only for 2 minutes? I will speak within 2 minutes, sir. No problem. धन्यवाद सभापति जी. आपने अंदरगिरी प्लीज डोंट नो जनाब यू आर डिस्पेंड यू आर ओके राइट प्लीज थैंक यू सर प्लीज स्पीक विद मैनेजिंग विल गो आई विल स्पीक विद इन 2 मिनट सर नो प्रॉब्लम. थैंक यू सभापति जी. आपने मुझे द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल 2010 पे बोलने की इजाजत दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मैं सीधा बिल पे आ रहा हूं. चैप्टर सेकंड बी सेटिंग अप ऑफ ए ग्रीवेंस रिडर्सल मशीनरी. इट्स ए वेरी गुड सजेशन सर. मैं इस 9C में ये जोड़ना चाहता हूं कि जो आपने रिडर्सल मशीनरी बनाई है वो 6 सदस्यीय मशीनरी है. मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये कहना चाहता हूं कि इसमें 6 मेंबर जो बनाए उसमें आपने महिला लिया, हम उसको स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी बात है. लेकिन अधिकतर कामगार जो हैं संगठित क्षेत्रों चाहे एक संगठित क्षेत्र हो उसमें SC ST के लोग बहुत होते हैं. तो अगर एक मेंबर आप SC ST का भी इसमें ले लें 6 मेंबरों में तो मेरे ख्याल में बहुत इफेक्टिव ये मैकेनिज्म हो जाएगा. ये मेरा एक आपको सुझाव है. दूसरा मैं इसमें कहना चाहता हूं ESI में आपने अध्ययन करवाया होगा स्टाफ की बहुत शॉर्टेज है और एक बहुत बड़ी कमी ESI के आपके सिस्टम में है कि जो रूरल एरिया में इंडस्ट्रियां लगती है या फैक्ट्रियां लगती है या जो कोई हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट का कोई काम करता है रूरल एरिया में उसको आप ESI के थ्रू कवर नहीं करते हो. एक लिमिट किलोमीटर की लगा रखी है. आप इस लिमिट को हटाना चाहिए आपको ताकि ESI का लाभ कामगार ले सकें. एक मैं आपको इंश्योरेंस स्कीम के बारे में बताना चाहता हूं कि आपकी जो वेलफेयर स्कीम के तहत जो इंश्योरेंस पॉलिसी चलती है असंगठित कामगारों के लिए चाहे वो ग्रोथ पोल के माध्यम से हो चाहे और कोई योजना के माध्यम से हो उसमें आपने एक कंट्रीब्यूशन रख रखा है उस असंगठित मजदूर का 1000 रूपये और आप दूसरा कंट्रीब्यूशन आप लेते हो सरकार की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट देती है. मैं कहता हूं कि ये असंगठित मजदूर के पास पैसा नहीं है पार्टिसिपेशन करने के लिए, उसको ये 1000 रूपये की सीमा के आप 1000 रूपये देंगे तो हम 1000 रूपये मिलाएंगे, ये सीमा आप हटाइए ताकि ये इंश्योरेंस पॉलिसी का अच्छा लाभ हो सके. दूसरा इशू मैं लेना चाह रहा हूं सेफ्टी इशू. मान्यवर जैसे कोई बॉयलर फट गया और उसमें उसकी डेथ हो गई, अब वो सेफ्टी इशू में वो कहते हैं साहब आपने ढंग से नहीं चलाया, उस मजदूर को ही ये दिया जाता है या कहते हैं कि ये आरोप कि आपने ढंग से नहीं चलाया, वो ये सेफ्टी इशू भी इस बिल में आपको कवर करना चाहिए और उसको विद इन ये इसमें जो आपने 30 डेज का टाइम दिया है उसके तहत उसको हल करना चाहिए. अब ये लास्ट इशू मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्लास्टिक की थैलियां बंद करने का हर सरकार एक निर्णय लेना चाहती है. इट्स ए गुड सजेशन आल्सो गुड स्टेप आल्सो कि भाई प्लास्टिक ये पॉल्यूशन के लिए ठीक नहीं है. लेकिन इसमें जो मजदूर काम करते हैं वो कहां जाएंगे, ये भी इस तरह के जो इश्यू है जो एकदम से आ जाते हैं अर्जेंट उस इश्यू को भी रिड्रेस करने के लिए इस मशीनरी में कोई मैकेनिज्म होना चाहिए. इतना ही कहते हुए मैं मेरा स्थान लेता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया. धन्यवाद चौधरी. Only 2 minutes, please, very brief. Minister, sir.